YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बालूमाथ थाना क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक की मुरपा शाखा में उचक्कों ने सेरेगढ़ा गांव निवासी समा परवीन के हैंडबैग में रखे 4,500 रुपए उड़ा लिए। पैसे उड़ा लिए जाने का एहसास भुक्तभोगी को उस वक्त हुआ जब वह बैंक काउंटर पर रुपए जमा करने के लिए बैग में अपना हाथ डाली। बैग में रुपए नहीं पाए जाने पर वह हक्की बक्की रह गई। परेशान समा परवीन ने तत्काल इसकी सूचना शाखा प्रबंधक को दी, लेकिन बैंक स्तर से सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद भी उचक्कों का कोई सुराग नहीं मिल सका। शाखा प्रबंधक बालेश्वर प्रसाद ने कहा कि अपराधी की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि समाचार लिखे जाने तक भुक्तभोगी महिला द्वारा थाने में मामले को दर्ज नहीं कराई गई थी। जमा किए अपना वाला खाता में, दूसरा वाला खाता में यहाँ जमा, तो वहाँ जमा करके आए हैं, आज फिर यहाँ जमा कर रहे हैं। इसी समय यही दुकान क्या चीज में पैसा स्लिप निकाले थे, तब पैसा देख रहे हैं जमा करने के लिए, तो है ये बोल रहे हैं। कितना पैसा था? 45। किस चीज में पैसा को रखा? प्लास्टिक। लाइन में आप खड़ी थी? नहीं, यहाँ पे जेंट्स थे आराम से। अच्छा, फिर महिला बोल रही है कि उसका जो प्लास्टिक बैग में पैसा था वो किसी ने निकाल लिया, लेकिन वो पहचान नहीं पा रही है। जो सीसीटीवी के फुटेज दिखलाए हैं उसमें भी वो बतला नहीं पा रही आखिर कौन आदमी, कुछ होलिया भी तो नहीं बता पा रही। तो सर, आप अपने तरफ से इस पर किस तरह से देखते हैं इसको? जब यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा बोले वो थाने में रिपोर्ट करने के लिए एफ आई आर दर्ज करा।